कार्यकर्ता बंधु, हमारे सभी पत्रकार मित्रों और छायाकार बंधु, आज मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि लगातार हम उत्तराखंड की जनता के बीच में गए। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो यहां सड़कों के क्षेत्र में काम हुआ है, जो यहां रेलवे के क्षेत्र में काम हुआ है, यहाँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हुआ है, और कोरोना महामारी में जिस प्रकार से वैक्सीनेशन का काम हुआ दूरस्थ क्षेत्रों में, हमारे यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ कितनी कठिन है हम सब भली भांति जानते हैं। उसके बावजूद भी डबल इंजन की सरकार के कारण से 100% हमको यहाँ पर वैक्सीनेशन हमारी सरकार ने किया, साथ में सभी को इस महामारी के दौरान लगातार सभी को गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से 60 लाख परिवारों में सीधे सीधे अन्न पहुँचाने का काम हुआ। और जब हम उत्तराखंड की जनता के बीच में जा रहे थे तो मुझसे आप सब भी पूछते थे कि आपके मुद्दे क्या हैं, तो हम कहते थे कि एक तरफ हमारे काम हैं जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुए हैं और उत्तराखंड की सरकार ने उनको आगे बढ़ाया है, और एक तरफ केवल कारनामे करने वाले लोग हैं। तो आज उत्तराखंड की जनता ने ये स्पष्ट रूप से सबके सामने कर दिया, उनके समर्थन से, उनके आशीर्वाद से आज 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है वो इस बात का प्रमाण है कि लोगों ने काम करने वाले लोगों को तरजीह दी है। भाइयों बहनों, मुझे भी खुशी है कि मेरे जैसे एक सामान्य परिवार से आने वाले, और कहीं मैं किसी दौड़ में नहीं था, किसी दावेदारी में नहीं था, और मुझे काम करने का अवसर मुख्य सेवक के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मेरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और केंद्रीय नेतृत्व ने दिया, और मैंने जनता से जो निवेदन किया पूरी पार्टी के साथ जाकर, हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने किया, हमारे पदाधिकारियों ने किया, आज उत्तराखंड की जनता ने हमको जो है वो आशीर्वाद देकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। और यहाँ पर लगातार मिथक था कि एक बार भाजपा आती है, एक बार कांग्रेस आती है, और मैं हमेशा ये कहता था कि मोदी जी के देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद सारे मिथक टूट रहे हैं, सारे मिथक टूटते गए हैं, नए इतिहास बनते चले गए हैं, और आज उत्तराखंड के अंदर नया इतिहास बन गया है। मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूं, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का मैं हृदय से आभारी हूं, और हमने जो संकल्प लिया है, हमने जो संकल्प पत्र उत्तराखंड की जनता के सामने रखा है, उसमें जो भी पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मौजूदा मुख्यमंत्री अपना चुनाव हार गए हैं, लेकिन पार्टी को भरपूर आशीर्वाद मिला है प्रदेश की जनता का। 49 सीट्स पर बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है।